नए साल पर बिहार के लोगों को बड़ा झटका लगने वाला है। ये झटका बिजली के करंट का होगा। नहीं समझे तो हम समझाते हैं। दरअसल नया साल आने पर ऐसा संभव है कि बिहार के बिजली उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ जाएगी और बिजली के रेट बढ़ जाएंगे। अगर वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिजली कंपनियों की अनुमानित बिक्री 32,587.01 मिलियन यूनिट रहती है तो 48.89 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की जा सकेगी। ये वृद्धि वर्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं बल्कि अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही हो सकेगी। बिजली कंपनी की पुनर्विचार याचिका पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने यह फैसला सुनाया है। इस मामले में 14 अक्टूबर 2022 को हुई अंतिम सुनवाई के बाद आयोग ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा के इस फैसले को जारी भी कर दिया गया है। आयोग ने राज्य सरकार से मिले अनुदान को स्वीकार करते हुए कंपनी के अन्य सभी तर्कों को खारिज कर दिया। आयोग ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार से प्राप्त NTNC हानि को सब्सिडी के कारण 1264.38 करोड़ के अतिरिक्त ही निर्णय सुनाए थे, इसलिए 1264.38 करोड़ के अतिरिक्त ARR को वित्तीय वर्ष 2021-22 के ट्रूइंग अप में शामिल किया गया। मौजूदा वित्तीय वर्ष में बिजली दर में कोई वृद्धि नहीं होगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दायर की जाने वाली जनहित याचिका में इस अनुदान को शामिल किया जाए। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के CMD संजीव हंस ने स्वीकार किया कि आयोग के आदेश में राज्य सरकार द्वारा किए गए 1264 करोड़ रुपए के खर्च को शामिल कर दिया गया है। कंपनी अगले साल के लिए दायर होने वाले पिटीशन में इसे शामिल करेगी। दरअसल वित्तीय वर्ष 2022-23 के बिजली टैरिफ को लेकर आयोग के सुनाए गए फैसले के खिलाफ बिजली कंपनी ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। कंपनी ने तर्क दिया कि टैरिफ सुनाए जाते वक्त सरकार से मिली 1264 करोड़ रुपए की गणना नहीं की गई। इसके साथ ही RDSS में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 19% बिजली हानि की जगह 15% बिजली हानि को माना गया। यही नहीं, कंपनी द्वारा समय समय पर जरूरत के हिसाब से खरीदी की गई और ये खरीदी की गई महंगी बिजली की भी गणना नहीं हुई। बिजली कंपनी की दलील पर आयोग ने सभी पक्षों के विचार लेने के बाद अपना फैसला सुनाया है। बिजली से जुड़ी शिकायतों की अंतिम सुनवाई को ऑम्बुड्समैन यानी कि लोकपाल की बहाली होगी। इसको लेकर विद्युत विनियामक आयोग ने जिला जज या राज्य सरकार में सचिव रैंक से रिटायर अधिकारियों से आवेदन की मांग की है। अधिकारियों के मुताबिक विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 की उपधारा 6, 7 तथा 8 के तहत विद्युत लोकपाल का प्रावधान है। अब सबसे खास बात यह है कि बिहार में ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में बिजली दर में बढ़ोतरी हो जाए और नए साल पर लोगों को महंगाई का एक जबरदस्त झटका भी लगे। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।